नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गोपाल गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर की। चुनाव आयोग जाएगी कांग्रेस और शिकायत होगी। कल चुनाव आयोग जाएंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। 60 लाख फर्जी वोटर्स के मामले में शिकायत होगी। आपको बता दें कि 3 जून को भी आयोग में शिकायत की गई थी। तो एक बार फिर चुनाव आयोग जाने वाले हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ और चुनाव आयोग में शिकायत की जाएगी। 60 लाख फर्जी वोटर्स का मामला एक बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत में गरमाता जा रहा है और इसे लेकर पीसीसी चीफ कल इलेक्शन कमीशन में शिकायत करेंगे। कल कमलनाथ जाएंगे चुनाव आयोग और ये शिकायत होगी। इस तरीके से लगातार 60 लाख फर्जी वोटर्स का मामला उठता आया है मध्य प्रदेश में। इसके पहले भी 3 जून को शिकायत की गई थी, लेकिन ये शिकायत बेरंग निकली थी और एक बार फिर कमलनाथ अब चुनाव आयोग जाने वाले हैं और शिकायत करेंगे। चुनाव आयोग में एक बार फिर शिकायत होगी। कमलेश सिंह हमारे विशेष संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जी कमलेश, कल चुनाव आयोग में शिकायत होगी, शिकायत की जाएगी, क्या कुछ पूरी खबर? देखिए, आज जानकारी मिल पा रही है कि जो चुनाव आयोग से पिछली दफा 3 जून को शिकायत की थी कांग्रेस पार्टी ने 60 लाख फर्जी वोटर्स का, वो इशू अभी तक रिजोल्व नहीं हुआ है। लिहाजा पार्टी ने तय किया है कि कल फिर चुनाव आयोग से शिकायत की जाएगी और कल एक बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ कमलनाथ, जो वहां कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके साथ बड़ा प्रतिनिधिमंडल प्रदेश से आएगा और चुनाव आयोग से मिलेगा। हालांकि अभी टाइम फिक्स नहीं किया गया किस समय वो मिलेंगे, लेकिन ये बताया गया कि कल 10 बजे के तकरीबन वो दिल्ली आएंगे और उसके बाद चुनाव आयोग से मिलेंगे। और देखना होगा चुनाव आयोग से मिलने के बाद क्या कांग्रेस पार्टी क्या क्या वो आयोग से क्या शिकायत करती है और क्या वो जो 60 लाख फर्जी वोटरों की बात कही जा रही है क्या उसका साक्ष्य भी देती है। ये दोनों बात देखने वाली बात, लेकिन साफ है कि फर्जी वोटर के इशू को लेकर कांग्रेस हमला पर है और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को गरमाना चाहती है और कांग्रेस चाहती है कि जो 60 लाख फर्जी वोटर्स का मामला है उसको अविलंब उस पर कार्रवाई की जाए, उसकी छानबीन की जाए और इन फर्जी वोटर्स को वोटर लिस्ट से बाहर की जाए। जी निश्चित रूप से कमलेश, इसके पहले भी ये शिकायत की गई थी लेकिन बेरंग ये शिकायत साबित हुई थी। जिस तरीके से ज्योतिराय सिंधिया और लगातार कांग्रेस पार्टी के एक बड़े डेलीगेशन की ओर से शिकायत की गई थी और दिल्ली आकर भी इन्होंने शिकायत की थी, लेकिन जब जांच हुई तो जांच में कुछ तथ्य निकलकर सामने नहीं आए थे। मुंह की खाई थी कांग्रेस ने, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस पीसीसी चीफ कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव आयोग पहुंचने वाली है। जी हां, आपने देखा कि पहले जब मुलाकात हुई तो ओपी रावत से मुलाकात हुई थी, उसमें चुनाव आयोग की ओर से एश्योरेंस दिया गया था कि चुनाव आयोग पूरे जो फर्जी वोटर लिस्ट जो कहा जा रहा है उसकी छानबीन कराएगी और उसके बाद अपनी ओर से भी कार्रवाई करेगी। लेकिन फिलहाल तकरीबन 2 महीने बीत जाने के बावजूद ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, लिहाजा एक बार फिर फर्जी वोटर्स के इशू पर कांग्रेस पार्टी दबाव बनाना चाहती है, इसलिए वो फिर कल चुनाव आयोग से मिलेगी। अब देखना होगा कल क्या चुनाव आयोग कांग्रेस पार्टी के लोग मिलते हैं तो क्या वो नए आरोपों के साथ मिलते हैं, नए तथ्य के साथ मिलते हैं, या फिर वो 3 जून को जो उनकी मुलाकात चुनाव आयोग से हुई थी क्या वही मुलाकात उस मुलाकात में जो शिकायतें की गई तो वही शिकायतें हैं, या फिर नए सिरे से कोई शिकायत है या कोई पुख्ता सबूत कांग्रेस पार्टी के हाथ लगी उसको फिर से चुनाव आयोग को देना चाहते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद कमलेश तमाम जानकारी के लिए। तो चुनाव आयोग में शिकायत एक बार फिर होगी, एक बार फिर ये मुद्दा उठाया जाएगा और सवाल किया जाएगा कि आखिर जो 60 लाख फर्जी मतदाता हैं लगातार कांग्रेस की शिकायत करती नजर आ रही है, उस दावे में आखिर कितना सच है।